दोस्तों आप मैप को देख रहे होंगे, थोड़ा सा मैप टूट फूट सा रहा है क्योंकि सब युद्ध चल रहे हैं, तो भारत की स्थिति ऐसी हो गई है। दोस्तों हर एक वंश के जो बिंबिसार थे, बिंबिसार की हत्या की अजातशत्रु ने, अजातशत्रु की हत्या की उदयन ने, उदयन के बाद अनिरुद्धक, मुंडक, नागदशक, अंतिम शासक हर एक वंश का नागदशक था। नागदशक की हत्या करके शिशुनाग अब यहाँ पर शिशुनाग वंश की स्थापना करेगा। ये बात हम पिछली क्लास में कर चुके थे। अब दोस्तों यहाँ पर मगध में शासक है नागदशक, नागदशक से शुरू कर, और नागदशक एक अयोग्य शासक है। अगर ये योग्य शासक होता तो ये भी अपने बाकी पूर्वजों की तरह पिता की हत्या करके शासन को हस्तगत कर सकता था, लेकिन ये अयोग्य था। इसी का फायदा उठाकर शिशुनाग ने 412 BC के आसपास मगध की सत्ता पर अपना कब्जा जमाया। इसी ने दोस्तों नागदशक को, जो यहाँ पर शासक था, मार डाला, मौत के घाट उतार दिया। अयोग्य था ना, इसको दोस्तों कुछ नहीं आता था, ये हमारी तरह था, एकदम अयोग्य। अब दोस्तों शिशुनाग ने यहाँ पर 412 के आसपास शिशुनाग वंश की स्थापना की है, और दोस्तों ये इतना उतावला शासक है युद्ध के नाम पर। अवंती, मध्य प्रदेश, अवंती को सीधा जीतने आया है ये, दोनों के बीच युद्ध हुआ है और अवंती को इसने हस्तगत कर लिया, अवंती को जीत लिया शिशुनाग वंश, शिशुनाग ने। और यहाँ से शासक, ये शासक अपनी राजधानी पाटलिपुत्र थी जो, पाटलिपुत्र से वापस वैशाली ले आया। इन्होंने अपनी राजधानी प्रारंभ में वैशाली को बनाया, उदयन ने पाटलिपुत्र को बनाया था, उदयन ने ही गंगा और सोन नदी के संगम पर पाटलिपुत्र शहर की स्थापना की थी, और इन्हें हराने के बाद शिशुनाग ने पाटलिपुत्र से राजधानी वैशाली ले आया। ये शिशुनाग की इतनी कहानी थी। शिशुनाग के बाद कई सारे शासक हुए, उनमें से एक खतरनाक शासक था कालाशोक, जैसा इसका नाम है वैसे ही इसका कलर भी था। दोस्तों काकवर्ण इसका ये नाम है, ये कौवे जितना काला है इसलिए इसे काकवर्ण भी कहा गया। दोस्तों ये इतना काला था, ये मेरा पेन है ना जो मैं चला रहा हूँ, ये इससे भी ज़्यादा काला था, इसलिए इसे काकवर्ण भी कहा गया। ये एक योग्य शासक है। इसके समय 383 BC में, 383 BC में द्वितीय बौद्ध संगीति हुई। पहली 483 में हुई थी, उससे मिला के 100 साल बाद इसने 383 में दूसरी बौद्ध संगीति करवाई है। ये अच्छा खासा शासक है, और इसको पाटलिपुत्र पसंद नहीं था, इसने वापस वैशाली पसंद नहीं था, वापस राजधानी कहाँ ले गया, पाटलिपुत्र ले गया। और दोस्तों इसने वैशाली में दूसरी बौद्ध संगीति करवाई थी, राजधानी पाटलिपुत्र ले गया, लेकिन द्वितीय बौद्ध संगीति कहाँ करवा रहा है, वैशाली पर। इससे ये बात तो स्पष्ट होती है कि शिशुनाग वंश के शासकों ने जीत लिया था वैशाली को अंतिम रूप से। तो दोस्तों ये एक इम्पोर्टेंट शासक था, इसको आप ध्यान रखें, काले रंग का है। अब आपको बेसिक समझ में आ जाएगा, जब जब आप काला पेन उठाओगे यूज करोगे तब तब आपको ये शासक याद आना चाहिए। जब जब आप स्लेट देखोगे, ब्लैक बोर्ड देखोगे, तब तक याद आना चाहिए कि काला शोक जैसा कोई शासक भी हमारे भारतीय इतिहास में हुआ। अब दोस्तों इनका अंतिम शासक था नंदीवर्धन या महानंदी। भैया मैं नोट्स नहीं बनवा सकता, जो मैं पढ़ाता हूँ वही सबसे बेस्ट नोट्स है दोस्तों, कहानी सबसे अच्छे नोट्स हैं। आप कहानी को समझे, कहानी अगर आपको याद हो जाएगी तो आप बड़े बड़े एग्जाम्स दे सकते हैं, यूपीएससी, पीएससी हो, क्या राष्ट्रपति का पेपर क्यों ना हो, आप दे सकते हो। तो नंदीवर्धन उप महानंदी ये शिशुनाग वंश का अंतिम शासक है। दोस्तों एक इम्पोर्टेंट बात तो मैं बताना ही भूल गया, ये वही नागवंशी शासक हैं जिन्होंने बुद्ध की नाग वाली मूर्तियाँ बनवाई। विष्णु भगवान के ऊपर आपने देखा होगा शेषनाग को, ये मूर्तियां इन्होंने ही बनवाई थी क्योंकि ये नागवंशी हैं, इन्हें नाग से बहुत प्रेम है। आगे चलकर सातवाहन काल में ये माना गया
कि ये भगवान विष्णु के 9वें अवतार थे ये मूर्तियों को देखकर। लेकिन ऐसा कुछ था नहीं, वो एक महापुरुष थे। लेकिन माना भी जाता हो भी सकते, हम कुछ कह नहीं सकते। तो दोस्तों ये शिशुनाग वंश के शासकों की बात रही। अब नंदीवर्धन है, महानंदी है, और यहाँ इनका एक महाअमात्य है, यानी कि एक अधिकारी है जिसका नाम है महापद्मानंद सेन। ये जाति का नाई है। इसकी जाति कई बार पूछी जाती क्योंकि विवादित जाति वाला है। महापद्मानंद जो इनका महाअमात्य था उसने नंदीवर्धन की हत्या कर दी। और दोस्तों महापद्मानंद ने मगध में अब की है नंद वंश की स्थापना। बहुत खतरनाक शासक है। लगभग ये बात है दोस्तों 344 BC के आसपास की। दोस्तों डेट्स को लेकर झगड़ा रहता है, डेट्स इतनी इम्पोर्टेंट नहीं, डेट्स नहीं पूछी जाती। इम्पोर्टेंट है शासक के नाम और उनके समय की घटनाएं। डेट्स तो ऐसा है कि विवादित हैं। लेकिन महापद्मानंद की बात करें हम, तो महापद्मानंद ने नंदीवर्धन की हत्या करके, शिशुनाग वंश के अंतिम शासक की हत्या करके मगध में नंद वंश की स्थापना की। और ये एक खतरनाक शासक है। ये अपने आप को बताता है कि मैं द्वितीय परशुराम हूँ, मैं कली का अंश हूँ और मैं क्षत्रांतक हूँ, इस प्रकार से ये अपने नाम बताता है। तो इसको हम थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं। बड़ा शासक है, इज्जत रखनी पड़ेगी भाई जी। दोस्तों ये जो मैं आपको यहाँ पर लिख के देता हूँ ना, ये नोट्स हैं आपके, आप समझे इसे, थोड़ी सी भावनाओं को समझे आप। शिशुनाग वंश के बाद अब आ रहा है नंद वंश। ये मगध का उत्थान, मगध का डेवलपमेंट, यहाँ मैं लिख दूँ मगध का उत्थान, डेवलपमेंट ऑफ मगध। अब नंदवंश आ रहा है 344 BC के आसपास। अब यहाँ पर दोस्तों शिशुनाग वंश का अंतिम शासक नंदीवर्धन था, महापद्मानंद ने उसकी हत्या कर दी और नंदवंश की स्थापना की। दोस्तों इसके उपनाम मिलते हैं कली का अंश, सेकंड परशुराम, ये सार, और क्षत्रांतक। ये तीनों महापद्मानंद के नाम हैं। दोस्तों इसे परशुराम और क्षत्रांतक क्यों कहते हैं? दोस्तों इस शासक ने भगवान परशुराम की तरह कई सारे, जो कहते हैं ना 20 बार उन्होंने क्षत्रियों की हत्या की थी, कई सारे क्षत्रियों की हत्या कर दी। यहाँ पर कपिलवस्तु, मद्र हो, विराट हो, अवंती हो, यहाँ पर कलिंग हो, अंग हो, वैशाली हो, अश्मक हो, ये कहते हैं कि इन्होंने पूरे साम्राज्य को जीत लिया, पूरे आसपास के राजाओं को जीत लिया और ये अपने आप को एक राट बताते हैं। एक राट यानी कि अब ये केंद्रीकृत सरकार में आ गए हैं, यानी अब इनकी सरकार केंद्रीय सरकार हो गई है। ये अपने आप को एकराट राजाधिराज बताते हैं। ये बताते हैं कि इनके पास बहुत पैसा है, कमाने की ज़रूरत ही नहीं, इतना पैसा है, सबको तो लूट डाला है। ये सब इतने बड़े बड़े शासक हैं, महापद्मानंद ने सबको हरा दिया। ये पहला शासक है जिसने साम्राज्य को इतना बड़ा बनाया और एकराट की उपाधि ली। इससे पहले जो शिशुनाग था दोस्तों, वो अवंती को जीतने वाला पहला शासक था, ये आप ध्यान रखें। अब महापद्मानंद ने और सबको जीत लिया। इसका सबसे विशेष काम है कलिंग। दोस्तों इसने कलिंग, उड़ीसा कलिंग पर आक्रमण करके जिनसेन की प्रतिमा को उठाकर ले आया, ये अभिलेख में मिलता है। कलिंग की जो शासन व्यवस्था थी उसको ध्वस्त करने वाला शासक महापद्मानंद था। इसने ही कलिंग से जिनसेन की मूर्ति को, जो महावीर को उठा कर लेके आया, महावीर की मूर्ति को किसने लेकर आया? क्षत्रांतक ने, द्वितीय परशुराम ने, महापद्मानंद ने। भयानक शासक है। और दोस्तों ये शूद्र है,
क्योंकि जाति का ना ही, इसलिए ये शूद्र है। लेकिन भारतीय इतिहासकारों को ये कभी हजम नहीं होगा कि एक शूद्र शासक बन सकता है, उनको कैसे हजम हो ये बात। तो वो कहते हैं कि ये ब्राह्मण हो सकता है, ये क्षत्रिय हो सकता है, लेकिन ये शूद्र नहीं हो सकता। लेकिन दोस्तों मैं बताऊं तो ये शूद्र ही होगा। अगर ये ब्राह्मण शासक होता तो इसकी जाति कभी विवादित नहीं होती। दूसरी चीज़, अगर ये क्षत्रिय ये होता तो ये अपने आप को क्षत्रान तक नहीं बताता, क्योंकि उस समय दोस्तों हमने पढ़ा है कि वर्ण व्यवस्था बड़ी खतरनाक चल रही थी, बड़ी लड़ाई चल रही थी। तो हो सकता है कि इसने दुश्मनी निकालने के लिए इस प्रकार से क्षत्रियों की हत्या की हो। फिर जो भी है, तो ये एक खतरनाक शासक था, ये पहली बार एकराट उपाधि धारण करने वाला शासक था, ये आप ध्यान रखें। इनका नौवां महत्वपूर्ण राजा हमें मिलता है, वो है घनानंद, जिसकी हत्या करी थी महान सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य ने। चंद्रगुप्त मौर्य ने घनानंद की हत्या करके यहाँ पर मगध में मौर्य वंश की स्थापना की। दोस्तों घनानंद एक बहुत ही विलासी प्रिय और अयोग्य शासक था। दोस्तों ये इसलिए अयोग्य था क्योंकि इस समय जब सिकंदर का आक्रमण हो रहा है, और ये दोस्तों विलासी प्रिय शासक है, ये विलासिता भोग विलासिता में डूबा हुआ है। इससे पूरे टाइम एक ही काम था कि नशा करो। अब इसके पूर्वज महापद्मानंद और भी कई सारे राजा ये सब जीतकर चले गए हैं, तो अब इसे कमाने धमाने की क्या ज़रूरत है, बहुत पैसा है। इसलिए ये कहता है कि हमारे पूर्वजों के पास तो बहुत पैसा हुआ करता है, तो हमें कमाने की क्या ज़रूरत है। ये पूरे टाइम राजश्री, गुटखा, तंबाकू और दारू ये सब करता रहता है, इसके पास केवल यही काम। और यहाँ से दोस्तों सिकंदर का आक्रमण हो रहा है। अब हम जब दोस्तों आने वाली क्लास में पढ़ेंगे भारत में पहली बार विदेशी आक्रमण, तो जिस समय यहाँ बिंबिसार था, आप ध्यान रखें कि उसी समय 558 से 529 के पास, 558 से 529 के आसपास कुरूस या साइरस नाम के एक व्यक्ति ने ईरान में एक साम्राज्य, हकमानी साम्राज्य की स्थापना की, और हकमानियों ने यहाँ पर पहली बार आक्रमण किया था, लेकिन उसके कोई सबूत नहीं मिलते। इसके दो लड़के केमसजी कंबुजी हुए। दोस्तों आने वाली क्लास में हम पढ़ेंगे, तो इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, आने वाली क्लास का आपको पता कैसे चलेगा नहीं तो। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।